हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग रियल नंबर फ्राम यूर टेंथ मैथमैटिक्स एन सी आर तो स्टूडेंट्स री रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन आज हम देख रहे हैं री रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है सो इन क्लास नाइन यू स्टडीड दैट रैशनल नंबर्स हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ध्यान में रखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू कंसीडर अ रैशनल नंबर ए पी ओ ऑन क्यू एंड एक्सप्लोर एग्जैक्टली वेन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ पी ओ ऑइन क्यू इज टर्मिनेटिंग एंड वेन इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग सो वी डू सो बाय कंसिडरिंग सेवर एल एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग रैशनल नंबर जैसे कि जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव है तो जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव को हम थ्री सेवनटी फाइव अपॉन टाउजेंड लिख सकते हैं बिकॉज डेसीमल के बाद कितने प्लेसेज है वन टू एंड थ्री थ्री प्लेसेस है सो वी कैन राइट अपॉन थाउजेंड ऐसे हम लिख सकते हैं जस्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर यहाँ पर क्या होता है जीरो पॉइंट थ्री सेवनटी फाइव अपॉन यहाँ पर वन होगा ठीक है सबसे पहले मैं अगर यहां पर टेन से मल्टीप्लाई तो करता तो हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आई विल गेट थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव अप टेन आफ्टर दैट अगेन आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टेन आई विल गेट थर्टी सेवन पॉइंट फाइव अप हंड्रेड 10 मल्टीप्लाई विथ 10. नाउ अगेन आई विल मल्टीप्लाई विथ 10. आई विल गेट 375 सेवेंटी 1000. इस तरीके से होता है ना यस yes, ऑलरेडी हमने ये देखा है सो so, डायरेक्टली हम क्या करते हैं जितने डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद कितने प्लेसेस है वन टू 3 तो थ्री मतलब अपॉन 1000 हम लिख लेंगे डायरेक्टली तो यहाँ पर वन टू थ्री यहाँ पर भी थ्री है तो यहाँ पर अपन थाउजेंड आ जाएगा वन टू थ्री फोर यहाँ पर फोर है तो टेन थाउजेंड पर आ जाएगा सो वन टू थ्री फोर यहाँ पर भी फोर है तो अगेन टेन थाउजेंड पर आ गया आसान ही ना ये यस yes, तो so इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर थ्री सेवेंटी अपॉन टेन टेन वन थाउजेंड हंड्रेड एंड फोर अपॉन थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव अपॉन टेन थाउजेंड एंड टू थ्री थ्री फोर जीरो एट अपॉन टेन थाउजेंड सो एज वन वुड एक्सपेक्ट दैट दे कैन ऑल बी एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर्स डिनोमिनेटर आर पावर्स ऑफ टेन let us एंड and द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द the एंड and एंड वी we can दैट देखिए the पॉइंट थ्री सेवेंटी टू 375 सेवेंटी 10,000 अभी सॉरी uh, थाउजेंड यहाँ पर है तो 1000 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं टू क्यूब मल्टीप्लाई विद फाइव क्यूब थ्री सेवेंटी फाइव के क्या हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई फाइव क्यूब देखिए फाइव क्यूब एंड फाइव क्यूब गेट कैंसल तो थ्री अपॉइंट टू क्यूब यहाँ पर आ गया मतलब ये क्या है ऑलरेडी हमें पता है कि जो भी यहाँ पर रैशनल नंबर है उसका शॉर्ट फॉर्म फ्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर बनाए ओनली बाकी कुछ नहीं है ओके okay? उसी तरीके से हंड्रेड एंड फोर अपॉन टेन क्यूब इज इक्वल टू वी कैन राइट थर्टीन अपन फाइव का क्यूब एंड देन जीरो पॉइंट जीरो एट सेवन फाइव इज इक्वल टू एट सेवेंटी फाइव अपॉन टेन टू द पावर फोर तो सेवन अपन टू टू द पावर फोर मल्टीप्लाई विद फाइव आ गया एंड स्टूडेंट्स ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री फोर जीरो एट इज इक्वल टू टू थ्री फोर जीरो एट अपॉन टेन टू द पावर फोर इसके प्राइम फैक्टर टू फोर टू स्क्वायर मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई फाइव ट्वेंटी वन अपॉन फाइव टू द पावर फोर यहाँ पर आ जाएगा ठीक है So, do you see any pattern? You have any pattern. It appears that we have converted a real number whose decimal expansion terminates into rational numbers of the form p by q, where q, p and q are the co-prime. And the prime factorization of the denominator, that is q, has only powers of 2 or powers of 5 or both. We should ex expect that the denominator to look like this since powers of 10 can only have powers of 2 and 5 as a factors so even though we have work on only with a few example you can see that any real number which has a decimal expansion that terminates can be expressed as a rational number whose denominator is a power of 10 also the only prime factors of 10 are 2 and 5 so cancelling out the common factors between the numerator and the denominator we find that the this real number is a Rational numbers of the form p by q, where the prime factorization of q is of the form two to the power n, phi to the power m, and n, m are the sum non-negative integers. Okay. So let us write uh, our our result formally. Theorem number one point five. Let x be a rational number. X kya hai rational number hai? Whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form P by Q where P and Q are co-prime P and Q co-prime and the prime factorization of Q is of the form 2 to the power n, 5 to the power m. So where n and m are non-negative integers. You are probably wondering that what happens the other way round in theorem 1.5 that is if we have a rational numbers of the form p by q and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative integers then does p upon q have a terminating decimal expansion so students let us see if there is a some obvious reason why this is true you will surely agree that any rational numbers of the form a upon b where b is a power of 10 b kya hai 10 ki power hai will have a terminating decimal expansion so it seems to make sense to convert a rational numbers of the form p by q where q is the form 2 to the power n and pi to the power m so to an equivalent rational numbers of the form a upon b ok dhyan mein kya rakhna, students aapko to jo bhi par de decimal form hai decimal terminating number hai ham par p by के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलवेज जो क्यू है वो टू टू पावर एन एंड फाइव टू पावर एम के फॉर्म में ही आएगा बिकॉज नीचे टेन का मल्टीपल ही आने वाला है, सो इज़ अ हैल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाइट टू दावर क्यूब सो आई विल गेट जीरो पॉइंट थ्री सेवन अगेन सो थर्टीन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन फाइव का क्यूब सो थर्टीन अपॉ मल्टीप्लाई विद टू क्यूब अपन टू क्यूब मल्टीप्लाई विद फाइव क्यूब इज इक्वल टू वी गेट हंड्रेड एंड फोर अपॉन टेन क्यूब मतलब अगेन आई विल गेट जीरो पॉइंट वन जीरो फोर उस तरीके से हम अगेन ये जो रैशनल नंबर है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू डेसिमल फॉर्म में करेक्ट तो स्टूडेंट्स सो दिस एग्जाम्पल शो अस हाउ टू वी कन्वर्ट रैशनल नंबर्स Of the form p by q, where q is in the form 2 to the power n and 5 to the power m, to an equivalent rational numbers of the form a upon b, where b is a power of 10. Therefore, the decimal expansion of such a rational number terminates. Let's write down our result formally. लेट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी एर रैशनल प्राइम फैक्टर एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स सो वी नाउ रेडी टू मूव ऑन द रैनल नंबर्स डेमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग अभी क्या है नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग है स्टूडेंट सामने देखा था नॉन टर्मिनेट हो रहा है हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन इनटू द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू देखा था ना हमने तो इन द लास्ट स्टैंडर्ड सो वंस अगेन लेट अस लुक एन एग्जाम्पल टू सी वॉट इज गोइंग ऑन सो वी रेफर एग्जाम्पल यू चैप्टर नंबर वन सो फ्रॉम यूर क्लास नाइन टेक्स्ट बुक नेमली वन अपॉन सेवन वेर रिमाइंडर्स थ्री टू सिक्स फोर फाइव वन थ्री टू सिक्स फोर फाइव वन एंड डिवाइजर इज सेवन सो नोट दैट डिनोमिनेटर हीयर दैट इज़ देखिए अगर हम यहाँ पर टेन से टेन को सेवन से डिवाइड करते हैं तो आई विल गेट जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन वन अगेन यहाँ पर थ्री आ गया तो स्टूडेंट मतलब ये वन फोर टू एट फाइव सेवन वन अगेन रिपीट होगा अगेन वन फोर टू एट फाइव सेवन मतलब ये ग्रुप पूरा क्या हो रहा है रिपीट रिपीट हो रहा है So, हम कैसे लिखते थे इसे तो जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन वन इसके ऊपर हम बार लगाते थे ठीक मतलब है मतलब यह रिपीट होने वाले अगेन एंड अगेन रिपीट होगा सो व्हाट वी सी है इन इन दैट दिस केस ऑफ वन अपॉइंट सेवन इज ट्रू फॉर एनी रैशनल नंबर नॉट कवर बाय थे पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर कू प्राइम्स बी और रैशनल नंबर सच दैट

प्राइम फैक्टराइजेशन इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ये जो क्यू है टू टू द पावर एन एंड फाइव टू द पावर एम के फॉर्म में नहीं है देन एक्स हैज अ डेसीमल एक्सपांशन एक्स का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ओके सो फ्रॉम द डिस्कशन अबाउ वी कैन कंक्लूड दैट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर्स इज आई द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपेरिंग एवरी रैशनल नंबर्स इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स पॉइंट डिवीजन लेमा हमने देखा गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर आर ए इज इज इक्वल इक्वल टू टू प्लस मतलब डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई विद क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वेयर आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो और लेस दैन बी ओके यूक्लियस डिवीजन एलगोरिदम दिस इज अ बेस ऑन यूक्लियस डिवीजन लेमा अकॉर्डिंग टू दिस द एच सी एफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी A is greater than B is obtained as follow. First one apply the division lemma to find q and r where A is equal to Bq plus r and r is greater than or equal to zero or less than B. If r is equal to zero, the HCF is B. If r is not equal to zero, apply Euclid's lemma to B r. So continue the progress, uh, process till the remainder is zero. The divisor at this stage will be the highest common factor of A and B. Okay, hence HCF of A B is equal to HCF of B r the fundamental theorem of arithmetic every composite number can be expressed as the product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur let p is a prime and q uh, p divides a square then p divides a where a is a positive integer so to prove that root 2 root 3 are irrationals let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then we can express x in the form p upon q, where p and q are co prime, and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n, 5 to the power m, where nm are non negative integers. Let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n, 5 to the power m, where nm are non negative integers.

चैप्टर नंबर वन रियल नंबर्स यहाँ पर एंड होता है आई थिंक आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे तो स्टूडेंट्स इस जो ये जो सभी वीडियो सीरीज़ है वीडियो सभी लेक्चर्स वीडियो है एक्सरसाइज वीडियो है इसका ओनली आपको एज अ गाइडेंस की तरफ से ही यूज़ uh, करना है इसे डायरेक्टली आप कॉपी ना करें सभी जो सोल्यूशन आपको दिया है इसे डायरेक्टली कॉपी ना करें तो स्टूडेंट्स बिकॉज टेंथ इज़ योर बोर्ड एग्जाम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम होगी आपकी करेक्ट तो जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये मैथमेटिक्स ईजी लगेगा ठीक है so, सो खुद से प्रैक्टिस करिए तो मिलते हैं अभी लास्ट इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू